जैसा कि लोग नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में भाजपा भी हमारी जो है कदम दर कदम हर किसी को साथ में लेकर चल रही है, तो फिर आप क्या आरक्षण को लेकर समानता का अधिकार हनन का बात कर रहे हैं? बिल्कुल आरक्षण एकदम खत्म हो जाए, निजीकरण में कहीं आरक्षण है? ग्राम सभा इलाहाबाद विधानसभा क्या पड़ता है यहाँ का फरिंदा? जैसे चाचा चुनाव का माहौल आ गया है, आने वाले चुनाव में आप लोग वोट किसको देंगे? भाजपा के। कोई एक दो विशेषताएं बताइए, आखिर भाजपा ही क्यों? आखिर क्यों भाजपा देना चाहते हैं? अब हम कहो कर कहा बताए, अच्छा दूसरे वोट देवे नहीं करते हैं पहले से? तो पहले कांग्रेस को दिया जाता था भाजपा, अच्छा पहले कांग्रेस को देते थे, फिर एक बार से भाजपा के, अब भाजपा अभिन्न साथी रही, और कोई दिक्कत परेशानी सुविधा तो मिल रही है ना? हाँ ठीक है, फ्री राशन मिल रहा है ना अपन? हाँ कुछ मिलते हुए जो बात हो अपन कमाई राशन मिल रहा है, राशन समय से नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ जैसे माहौल चुनाव का आ रहा है धीरे धीरे सर, तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोग किस पार्टी को वोट करेंगे? वोट तो फिलहाल देखिए अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, समीकरण को देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है उसी को दिया जाएगा। अच्छा जो पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी उसी को वोट करेंगे? उसी को वोट। चलिए फिलहाल वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? वर्तमान सरकार से संतुष्ट तो पूर्ण रूप से नहीं है, कमियां ये है कि हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको वही प्राइवेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब प्राइवेट जब हो जाएगा तो हमारे जितने भी उस उपभोक्ता है जितने भी का ग्राहक है उनको बड़ी परेशानी होगी। जैसा कि सर लोग कहते हैं कि जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो सारे विभाग प्राइवेट से आएंगे और प्राइवेट लोग मेहनत करेंगे, टाइम टू टाइम मेहनत करेंगे, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार प्राइवेट कर रही है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है प्राइवेट सेक्टर में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जी जब हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम समानता का अधिकार कहाँ पाएंगे? हमारे संविधान में लिखा गया है कि सबको समानता का अधिकार मिला है संविधान के अनुसार। सर जैसा कि लोग नारा लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में भाजपा भी हमारी जो है कदम दर कदम हर किसी को साथ में लेकर चल रही है, तो फिर आप क्या आरक्षण को लेकर समानता का अधिकार हनन का बात कर रहे हैं? बिल्कुल आरक्षण एकदम खत्म हो जाए, निजीकरण में कहीं आरक्षण है? जहाँ भी हमको आरक्षण मिलता है सरकारी संस्थानों में मिलता है, जब संस्थान ही सरकारी नहीं रहेगा तो हमको आरक्षण कहाँ मिलेगा? हम आरक्षण का लाभ कैसे उठा पाएंगे? हम बराबर कैसे होंगे, उनके बराबर कैसे होंगे? तो फिर इसके संशोधन का कोई विकल्प? अब इसके संशोधन का विकल्प यही कि सरकार को हटा दिया जाए। तो इसको मान लीजिए अगर इस सरकार को बदलते हैं तो फिर दूसरी कौन सी सरकार लगाएंगे? दूसरी जिसका लहर रहेगा उसको वोट किया जाएगा, जिसकी बात समझ में आएगी कि हमारे सपोर्ट में वो है, हमारी रक्षा कर रहे हैं या करेंगे, उनको वोट किया जाएगा। फिलहाल सर आपका कोई पसंदीदा अदरवाइज नेता थे? देखिए पसंदीदा नेता तो हमारा मायावती थी। मायावती की कुछ खास विशेषताएं बताइए। खास विशेषताएं ये रहती हैं कि वो शासन बहुत चुस्त दुरुस्त करती है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मायावती ने जीती और गांव-गांव जगह जगह अन्य अन्य जगहों पर हाथियों पर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने हाथियों पर लगाया ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही मैं हाथियों को हटा दूंगा, एक भी हाथी नजर नहीं आएगी और वो जेल में नजर आएंगी। वो सत्ता में आए ना तो हाथी हटी ना तो मायावती जेल गई। तो आखिर जो विकास का पैसा उन्होंने हाथियों पर खर्च किया वो विकास का? बहुजन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष